हेलो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर सीरियल अनुपमा का लेटेस्ट अपडेट। अनुपमा माया हुई एक्सपोज, नेटिजेंस को पसंद आया एपिसोड, बोले माय काव्या इज क्वीन। टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में खूब ड्रामा होने वाला है। इस ड्रामा की एक झलक आज टेलीकास्ट हुए एपिसोड में देखने को मिली। लोग इस झलक को देखने के बाद खूब एक्साइटेड हो गए हैं। टीवी सीरियल अनुपमा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इस बार सोशल मीडिया पर हैशटैग अनुपमा ट्रेंड होने की वजह अनुपमा नहीं बल्कि काव्या है। भले ही काव्या ने अनुपमा की ज़िंदगी में बतौर विलेन एंट्री ली हो, लेकिन अब धीरे धीरे अनुपमा और काव्या में दोस्ती होती जा रही है। दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को मुसीबतों से बचाने का काम भी करने लगे हैं। आज टेलीकास्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। काव्या ने अनुपमा के सामने माया का पर्दाफाश कर दिया। काव्या ने उजागर किया माया का सच। आज टेलीकास्ट हुए एपिसोड में दिखाया गया कि शाह परिवार महाशिवरात्रि की पूजा के लिए कपाड़िया हाउस में आते हैं। सभी महाशिवरात्रि के जश्न में डूबे रहते हैं। तभी काव्या सबके सामने माया का सच उजागर करती है। वह अनुपमा को बताती है कि माया उसी के सामने उसी के पति से प्यार करने लगी है। काव्या ने अपने इसी एक्शन की वजह से दर्शकों का दिल जीत लिया है। लोग सोशल मीडिया पर काव्या की तारीफ कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कि क्या ट्वीट कर रही है पब्लिक। यूजर्स को पसंद आया एपिसोड। एक यूजर ने लिखा, आज की शो स्टीलर काव्या है। काव्या एक बेहतरीन एपिसोड में काव्या ने सिर्फ वनराज को सबक न सिखाया बल्कि माया को भी एक्सपोज किया। अनुपमा का आने वाला एपिसोड सच में महा एपिसोड होने वाला है। बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ टूटेगा। मैं मान पर दांव लगा रही हूँ। एक नेटिजन ने कहा, मुझे गलत मत समझिए, मैं पहले काव्या को नापसंद करता था जब उसने अनुपमा को चोट पहुँचाई थी, लेकिन अब मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और जिस तरह से उसने अनुपमा का साथ देना शुरू किया है वह बहुत ही अद्भुत है। तो ये थी नेटिजन्स की रिपोर्ट काव्या के बारे में और अपने चहेते सीरियल अनुपमा के बारे में। ऐसी और रिपोर्ट्स लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।